Check the mic and make sure it sound right, boys. इनके सामने हमें जो है वो रहना है रॉयल। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। मेरे साथ है मुस्तफा भाई। मुस्तफा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सर आप बताएं खैरियत से? भाई इनके पास ऑल्टो है 2020 की VXR। सबसे पहले ये अपना एक्सपीरियंस हमें बताएंगे भाई। सबसे पहले तो आपने ये ली कितने की? सर ये मैंने ली तकरीबन 13,98,000 की। इसकी नॉइस तकरीबन 14 लाख। तो और जो नॉन फाइलर का टैक्स 7,500। हाँ 7,500, हम फाइलर हैं तो फाइलर का टैक्स था 7,500 और तकरीबन 14,05,000। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहूँगा, इतनी रेंज में आपने ये गाड़ी क्यों ली? सर ये मैंने बैंक से गाड़ी ली। अच्छा। तो इसकी मैंने डाउन पेमेंट तकरीबन 40% दी। कितनी 40% तकरीबन हुई? 6,20,000 या 6,21,000। और बाकी मैंने गाड़ी मुझे चाहिए था ब्लैक कलर। सही है। तो ब्लैक कलर मिलना। हाँ ये अगला मेरा सवाल ये था कि ब्लैक कलर क्यों लिया आपने? सर ब्लैक कलर बस शौक था मुझे ब्लैक कलर का। सही। तो इसीलिए जो है ब्लैक कलर मैंने लिया। और वाइट तो मुझे मिल रहा था, तकरीबन वाइट नहीं लिया। और ब्लैक उन्होंने कहा कि बुकिंग पर मिलेगी आपको। अच्छा, आप बुकिंग का मुझे कुछ बता रहे थे? तो जी जी सर बिल्कुल। बंद हुआ था कोई वो आप? सर ये बुकिंग ऐसे हुई कि मैं जब बुकिंग करवा रहा था तो मैंने सबसे जो है पूछा कि कितने दिन में आएगी क्या है। तो मुझे शोरूम वालों ने भी जो है मिसगाइड किया, मुझे कहा कि आपका नसीब है 20 दिन में आ जाए, 25 दिन में आ जाए। नहीं तो कोई कमेंटमेंट नहीं थी? कोई नहीं कमेंटमेंट, कोई नहीं। कमेंटमेंट ये थी कि 60 डेज में गाड़ी आनी है। हाँ ठीक है। तो कमेंटमेंट 60 डेज की थी। तो मुझे शोरूम वालों ने ही उन्होंने ये कहा कि हम आपको एक महीने के अंदर गाड़ी जो है अवेलेबल करके देंगे। तो उन्होंने एक महीने के अंदर गाड़ी अवेलेबल नहीं की। अच्छा। दो महीने पूरे गुजर गए। मैंने 11 अगस्त को बुक करवाई थी, 11 अक्टूबर को टेंटेटिव डिलीवरी टाइम था उसका। तो उस टाइम भी गाड़ी इन्होंने नहीं दी। सही। इन्होंने तकरीबन गाड़ी आई है शोरूम पर 17 तारीख को, ठीक है 17 अक्टूबर को। जी जी तकरीबन 66 डेज हो गए। पर मगर मुझे ये कहा था उन्होंने कि आपको एक महीने के अंदर इंशाल्लाह गाड़ी हम अवेलेबल करके देंगे। मगर एक महीने के क्या दो महीने भी गुजर गए। जी जी आपने चलो 6 लाख रुपए आपने दिए, आप दूसरी कोई भी लेते इतनी रेंज में तो आपको इतनी डाउन पेमेंट देनी पड़ती। तो आपने एक तो आपको रखनी है पहली बात, आपको हमारी तरह नहीं हो कि लेके फिर आप बेच दो, आपको तो रखनी थी। तो आपने मतलब मैं कहूँगा कचरा आपने क्यों लिया आपने इतनी रेंज में? मेरे हिसाब से हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है। सही। तो इस हिसाब से मुझे ये गाड़ी पसंद आई क्योंकि इसका लेग स्पेस मैंने देखा। हाँ, लेग स्पेस। लेग स्पेस का बहुत अच्छा था और आगे भी बैठे हैं जैसे पैसेंजर साइड पे ये वो, तो बिल्कुल मसला मुझे मसला नहीं है और जबरदस्त गाड़ी है। और एवरेज में मैंने उसको मैंने सुना था कि एवरेज में अच्छी है, मगर मैंने एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ बेहतरीन है उसका है जो है एवरेज है। कितना है ये? तकरीबन अभी भी मुझे दे रही है 22.5। ठीक है। ये शहर के शहर में दूसरे तीसरे गियर में 22 देती है। कल मैं हैदराबाद से आया था तो तकरीबन 30 दे रही थी मुझे विदाउट एसी। अच्छा, तकरीबन 80 की स्पीड में, 70 की स्पीड में। वैसे भी हाईवे पर मुझे एसी में देती है 25-26 देती है, बाकी शहर में 20 से ऊपर ही देती है। तो मतलब आपका लेना ही आपको मुझे सुजुकी ये है कि बस इसकी डिमांड भी वैसे एक तो कलर ब्लैक, एक तो लोग कहते हैं कि इसकी डिमांड नहीं है और इसके अलावा हम ले लें कोई फा तो फिर तो कोई लेने वाला ही होगा गाड़ी। नहीं तो आप तो रखते हैं ना? रखते हैं। हाँ ये तो बात है, रखते हैं। मतलब आपका ये कि जब भी साल के बाद भी बेचूंगा मसला नहीं करेगा? मसला नहीं करेगी। इसलिए आपने लिया? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। फ्यूल एवरेज आपको 25 से 30 दे रही है? 25 से 30 दे रही है बिल्कुल। अच्छा, और एसएस सीरीज आपने इसमें जो इंस्टॉल की है? बिल्कुल सर, वो मैंने इसमें जो है 15 इंच के टायर लगवाए हैं। और ये फ्यूल 15 इंच के बाद? फ्यूल उसके बाद दे रही है। और इससे अगर वो मैं कंपनी वाले होते तो पता नहीं कितनी देती इसमें। मैंने इसमें तो रिस्क है सर, ये भी है नहीं, 15 इंच की रिम पे तो रिस्क है। रिस्क तो है नहीं ये लोगों का, ये जो आप ये जो देख रहे हैं ना वीडियो, ये हमारी फैमिली। सही। इनके सामने हमें जो है वो रहना है रॉयल। बिल्कुल सर। तो ये बात ये है कि लोगों का जो माइंड बन गया है ना वो ये है कि बड़ा टायर लगाएंगे, फ्यूल जो है ज्यादा लेगी गाड़ी।
और ये माइंड बन गया है लोगों का, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है। आपने कितना चलाया इसको? मैंने तकरीबन इसको चला लिया है 2200 तकरीबन चला लिया मैंने। ठीक, इसमें मैंने 15 इंच की रिमें हैं और टायर जो है वो भी 15 इंच के हैं, 175 जो है, और इसकी जो प्रोफाइल है वो है 55 टायर शॉप पर गया। अच्छा। तो वहीं से उन्होंने, वैसे तो मैंने सुना की 17-18 हजार की लेते हैं, मगर मेरे से 20 हजार मिली। सही। और ये जो रिम टायर का पूरा सेट था ये था 74,000 74,000 बिल्कुल। तो डील आपकी अच्छी बन गई। हाँ, जबरदस्त। और ये जो स्क्रीन है डब्बू, उसको लोग बोलते हैं। बिल्कुल, ये डब्बू जो आप कह रहे हैं ये है 14,000 की स्क्रीन मिली मुझे। बड़ी इंच, ये 10 इंच ये तकरीबन 10 इंच है। हाँ, बिल्कुल 9.5-10 इंच है ये। तो ये सर मुझे मिली 14,000 की, और इसकी बैक कैमरा जो थी वो 1000 की, 1000 इसमें आता कुछ भी नहीं है। कंपनी फ्री नहीं करती, कंपनी फ्री नहीं करती। सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या है सर? सेफ्टी सिक्योरिटी में ये है कि 2 एयरबैग है, एक आपकी साइड पैसेंजर साइड पर, एक ड्राइवर साइड पर है। सही है जी जी। और इमोबिलाइजर है बस। हाँ, इमोबिलाइजर है बस, और कुछ? ब्रेक। अच्छा, ब्रेक कैसी है सर? ब्रेक मुझे तो बहुत बेहतरीन लगी, क्योंकि मेरे पास से पहले जो थी मेरान 2018 मॉडल थी, उसके हिसाब से ये तो सर, वो तो ऐसे होता है ईंट पे पाँव रखना। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी ब्रेक तो कुछ, या शायद इसके टायर भी मैंने बड़े लगवाए, इससे भी थोड़ा उसको ग्रिप आया। नहीं, वो मेरान से बहुत बेहतर है, मेरे पास थी ना ओरिजिनल, टायर पे भी अच्छी थी। आपने बॉडी पे कुछ कराया इसका? सर बॉडी पर मैंने इसको ग्लास कोट करवाया था, 3 लेयर, इसमें 1 लेयर भी आती है, 2 लेयर भी आती है और 3 लेयर भी आती है। तो मैंने इसको 3 लेयर करवाया सी क्वार्ट्स कार प्रो का। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो ये कितना खर्चा है सर? ये तकरीबन 20,000 आ गया। 20,000 तो उससे प्रोटेक्शन है गाड़ी का ना सर? प्रोटेक्शन है, तो मेरे हिसाब से मैंने इसको यूज किया है तकरीबन, तो मुझे 1 मंथ तो होने वाला होगा गाड़ी को। तो स्क्रेचेस जो हल्के फुल्के आते हैं वो तो आ रहे हैं। इसका जी, इसका जो मैंने देखा है कि इसका फायदा ये है कि इसकी जो शाइन है गाड़ी की, वो शाइन जो है बरकरार रहेगी। ठीक है, बिलावा जाके जो स्क्रेच आते हैं वो नहीं आते। अगर आप भी गए तो उतर जाएंगे? हाँ, उतर जाएंगे बिल्कुल। और आपने कुछ नहीं करा है ना सर? और तो बस ऐसा कुछ। अच्छा, वो एलईडी लाइट? एलईडी लाइट है वो कितने की पड़ी? तकरीबन मुझे 5,500 की एलईडी लाइट्स पड़ी। नाम बताएं इसका? नाम यार मुझे याद नहीं आ रहा। 350 वाल्ट है एलईडी। अच्छा। लाइट मेरे पास जो बॉक्स है वो शायद गाड़ी में पड़ा होगा। हाई बीम लो बीम एक ही? हाई बीम लो बीम दोनों में एक ही। मतलब जैसे बड़ी गाड़ी में, जैसे सिविक में एक्स में ओरिजिनल लाइट आती है, इसमें से इन्होंने कराई। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, मेंटेनेंस उसकी क्या है सर? मेंटेनेंस तो अभी मैंने जो इसका पहला ही ऑयल चल रहा है ना, मेरे 2200 पे पहला ऑयल चल रहा है। हाँ, अच्छा, वो आप टायरों का कुछ बता रहे थे शोर? जी जी सर, ये टायरों में ये है कि मुझे नॉइस महसूस होती है, क्योंकि मैंने, हाँ, तो ना तो मैंने उस जेन्युइन टायर पे इतना गाड़ी को चलाया है रोड पर, मैं सीधा शोरूम से लेकर जो है टायर शॉप पर गया, उसमें भी मुझे जो एक्सपीरियंस नहीं था कि उसमें आवाज था या नहीं था। नहीं होता, नहीं होता मेरे पास थे। हाँ, मैंने अच्छा, नहीं होता तो, इतना 40 पे चल रही ना, हाँ, इतना आवाज आ रहा है, इतना नहीं होता टायरों की वजह से। मुझे टायरों की वजह से नॉइस शो होती है, और लोग कहते हैं कि आपका टायर जो बॉडी में टच होता है, मुझे तो कभी भी ऐसा महसूस। अच्छा, टर्न में नहीं होता? नहीं होता, मैंने फुल टर्न भी दिया है गाड़ी को, जैसे रिवर्स वगैरह करते हैं उसमें भी जो है नहीं। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। सस्पेंशन इसका कैसा है सर? सस्पेंशन का मसला ये था कि जब मैंने टायर लगवाए, ठीक है ना, इसकी जो मैंने इसकी करा व्हील अलाइनमेंट होती है और व्हील बैलेंसिंग होता है, ये मैंने नहीं करवाया, और जो हवा थी इसमें जो उसकी गैस होती है टायर नाइट्रोजन, वो भी मैंने आम भरवाई हुई थी, क्योंकि उसी टाइम तो कल मैं गया था, तो कल मैंने इसकी व्हील बैलेंस, व्हील अलाइनमेंट और नाइट्रोजन गैस इसमें भरा। उसके बाद मुझे गाड़ी में बहुत फर्क महसूस हुआ है, क्योंकि पहले जो खड्डों पे या जब चलती थी ना, तो मुझे जैसे हल्का हल्का जो महसूस होता था कि गाड़ी जो है लग रही है, या उसमें सस्पेंशन में थोड़ा मजा नहीं आता है। सही। तो इसमें अब मैंने नाइट्रोजन लगवाई है, इसमें जो हवा है तो वो भरवाई, इसके बाद जो है मुझे गाड़ी चलने में बेहतर लग रही है। सही। गुड। ये नंबर आपने लगवाया सर? नंबर लग गया नंबर में आज ही। क्या कॉस्ट आई सर? तकरीबन 21,900, तकरीबन 22,000 कहते हैं उसको, फाइलर पे। हाँ, फाइलर पर। ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू नहीं है फैमिली के साथ सर? होता है जो है, 5 जब बैठते हैं ना तो सीधा निकालेंगे तो लगेगी, हल्का टर्न देके निकालेंगे तो नहीं लगेगी। आपने एक चीज नोट किया, वजन में गाड़ी का स्टीयरिंग जो है थोड़ा जाम हो जाता है जब वजन होता है गाड़ी में। मैंने वजन तो इसने गाड़ी में नहीं दिया, क्योंकि हम तकरीबन 2 या 3 लोग जाते हैं, क्योंकि मैंने रखी थी, मुझे याद है मेरी गाड़ी 0 थी, स्टीयरिंग जो है उसका थोड़ा सा वो हार्ड हो गया मामूली। दूसरी बात ये कि क्वालिटी इसकी? यार क्वालिटी एवरेज है, मैं तो कहता हूँ एवरेज भी नहीं है।
एवरेज नहीं है, बेकार है। अच्छा मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि एक दो दोस्त की मैंने गाड़ी देखी थी, तो इस पे तो अभी मेरे ख्याल से ग्लास कोट वाले जो है पॉलिश वगैरह लगाते, ये बिल्कुल जो सफेद फेड हो जाते हैं, ये फेड हो गए थे बिल्कुल दरवाजे, वो लोग केयर नहीं करते। अच्छा तो इसलिए होते हैं। आप भी शीशे खोल के चलाओ, हाँ कोई पॉलिश वॉलिश नहीं लगा, देखो कैसे खराब हो जाएगी। अच्छा तो शायद इसलिए हुआ होगा, तो फेड हुए हुए थे, अभी तो मेरे फुल ब्लैक जैसे लगे हुए, तो ये फेड हो गए। आपने ये विंड और ये सारे शीशे टिंट कराए हैं? जी जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट के मतलब क्या बोलते हैं खिलाफ खिलाफ खिलाफ। तो आपने खिलाफ वर्जी कितने में कराई है? सर ये खिलाफ वर्जी हमने तकरीबन 6000 की कराई, 6000 की, तो क्योंकि 6000 की क्योंकि इसमें जो है लोग कराते हैं कम में होती है उनका जो बैग बैग। अच्छा ये आप शीशा ओपन करें थोड़ा वीडियो में इनको दिखाएंगे, ये फुल है ऊपर तक है। जी जी बिल्कुल, पहले बंद कर। हाँ ये बिल्कुल जो है ये यूएसए का पेपर है जी, ठीक है, हैदराबाद से करवाया था मैंने मोटर मोटिव से, तो ये बिल्कुल जो भी जो है शीशे हैं सब जो है हाई क्लास वाले हैं, क्योंकि कोई भी जो है इसलिए जो है इसके महंगे हो गए। ये दिन को भी नजर नहीं आते गाड़ी चलाते हुए, रात को तो वैसे ही नहीं आते क्योंकि अगला भी डाला है शीशा। एक और बात आखिर में ये रहती है कि इन्होंने अभी मुझे बताया कि फ्यूल का जो सिस्टम है इनको जो 25-30 दे रही है उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैं इसको हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे चला रहा हूँ। अच्छा रोड ग्रिप और हैंडलिंग की बात करी जाए तो आपको तंग करती है गाड़ी या नहीं बड़े टायर के बाद? उसके बाद सही है, रोड ग्रिप तो सही है इसका एवरेज है, मगर जो आप जो इसको कट या ऐसे कोई जो है लगाएंगे लेयर आ रही है या गाड़ी कल्टी होने वाली है इस टाइप की कोई फील आएगी, मतलब फर्स्ट लेन से थर्ड या सेकंड लेन? थर्ड लेन तक बिल्कुल। वैसे तो मैं अल्टो का डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपना ओनर रिव्यू शूट कराना चाहता हूँ। ना चलो सही है ठीक है, उनकी गाड़ी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी, भाई अपनी गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रही है, अल्लाह आपको नसीब करे। वीडियो एंड करने से पहले भाई मैं मुस्तफ़ा भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने टाइम निकाला। आप मसला नहीं कोई, बहुत शुक्रिया। और नहीं कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कीजिएगा, और VXR का अगर रिव्यू देखना चाहते हैं डिटेल रिव्यू तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं कहूँगा मैं, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो उंगली का सही इस्तेमाल करें, तायर आबाद लोग को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।